नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में फायरिंग का मामला सामने आया है। वकीलों के दो गुटों में बहस के बाद झगड़ा हुआ और एक वकील ने फायरिंग कर दी। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा नियमों के बावजूद हथियार कोर्ट में कैसे पहुंचा? डिप्टी कमिश्नर सागर सिंह कलसी ने कहा, 30,000 कोर्ट में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे गोलीबारी की घटना हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि पदाधिकारियों समेत वकीलों के दो अलग अलग गुटों ने हवा में गोली चलाई थी। वहीं दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर परमादित्य ने कहा कि कोर्ट कैंपस से 5 खाली राउंड बरामद किए गए हैं। हमारी FSL टीम मौके पर है। मामले की और गहन जांच की जाएगी। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक दूसरा वकील बंदूक में कारतूस भरने के बाद फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो भी कैंपस में मौजूद किसी वकील ने रिकॉर्ड कर लिया था। दिल्ली के कोर्ट कैंपस में फायरिंग का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी साल 21 अप्रैल को दिल्ली के साकेत कोर्ट में वकील की ड्रेस में एक शख्स ने पेशी में आई एक महिला पर फायरिंग की थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।